अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इजी मसाला पराठा की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जैसे हम गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं वैसे एक पतली रोटी बेल लेंगे। आप चाहे तो मैदे की रोटी भी बना सकते हो, मैंने यहाँ पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। अब हम रोटी के ऊपर सारे मसाले स्प्रेड करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा घी लगा लेंगे, इसे अच्छे से पूरे रोटी पे फैला लेंगे। अब हम थोड़ा सा कलौंजी डालेंगे। अब मसालों में आपको डालना है लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, सॉल्ट थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से, आप इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हो, खड़ा ज़ीरा। चाट मसाला की जगह आप आमचूर भी यूज़ कर सकते हो। अब बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती डालेंगे। अब सब डालने के बाद बीच में ऐसे कट लगा देना है। कट लगाने के बाद कुछ इस तरह से आपको फोल्ड करना है, चारों तरफ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और हल्के हाथों से प्रेस करना है फोल्ड करने के बाद। अब अच्छा दिखने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और कलौंजी डालकर इसे बेल लेंगे। अब हल्के हल्के हाथों से पराठा को बेल लेना है ट्राइंगल शेप में, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हो, आप चाहे तो इसे स्क्वायर शेप में भी बेल सकते हो। अब हम गरम तवा पर इसे सेक लेंगे। जब ये एक साइड से थोड़ा पक जाए तो इसे पलट कर दूसरे साइड से भी पका लेंगे। अब हम इसमें हल्का ऑयल लगा के या आप घी के साथ इसे फ्राई करेंगे। इसे क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेक लेंगे, दोनों साइड से इसे फ्राई कर लेना है अच्छे से। बस फिर मसाला पराठा सर्व करने के लिए रेडी है। तो आप इसे दही के साथ या अचार के साथ ज़रूर ट्राई करें। मैं यहाँ हरी चटनी और शेजवान के साथ खा रही हूँ। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड एंजॉय इट।